स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिल्मी तड़का पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हूँ साउथ की पांच बेहतरीन लव इमोशन और एक्शन से भरपूर मूवी के बारे में। ये सब मूवी का लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों आज की लिस्ट पर नंबर पाँच पर जो हमारी मूवी है वो साल 2018 में आई कमाल की हॉरर कॉमेडी और रोमांटिक मूवी है। मूवी का नाम है टैक्सी वाला और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 out of 10। मूवी में हमें विजय देवरकोंडा और प्रियंका के साथ और भी कई बेहतरीन और मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो मूवी में कहानी दिखाई जाती है शिवा नाम के एक लड़की की, जो कि कई सारी नौकरी करके छोड़ चुका होता है और फिर वो उसके बाद एक कार खरीदता है और वो फिर कैब ड्राइवरी का काम करता है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसकी कार में कुछ डरावनी चीज़ें होने लगती हैं और उसको बाद में पता चलता है कि ये एक भूतिया कार है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों नंबर चार पर जो हमारी अगली मूवी है ये साल 2018 में आई एक कमाल की रोमांटिक एक्शन ड्रामा वाली मूवी है। मूवी का नाम है पैंथम और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 out of 10। मूवी में हमें गोपी चंद और महरीन कौर के साथ और भी बेहतरीन और मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो विक्रांत एक हाईटेक चोर होता है जो राजनेताओं के काले धन को चुरा कर गरीबों में बांट देता है। मूवी बहुत ही कमाल की है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा अभी तक तो मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मूवी को जाके एक बार जरूर देख सकते। दोस्तों आज के लिस्ट पे नंबर तीन पर जो मूवी है वो साल 2022 में एक कमाल की रोमांटिक ड्रामा वाली फिल्म है। मूवी का नाम है राधे श्याम और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 out of 10। मूवी में हमें प्रभास और पूजा हेगड़े की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिलेगी। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो मूवी में एक पामिस्ट की कहानी देखने को मिल जाती है जो कि लोगों को हाथ देख के उनका फ्यूचर बता देता है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को मिस किया तो मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मूवी आप लोग जाके एक बार जरूर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिस्ट पर नंबर दो पर जो मूवी है वो साल 2017 में आई एक कमाल की रोमांटिक और इमोशनल मूवी है। मूवी का नाम नंबर वन दिलवाला और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। मूवी में हमें राम पोथी नैनी, अनुपमा परमेश्वरी, लावण्या त्रिपाठी और श्री विष्णु के साथ और भी कई बेहतरीन और मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो मूवी में हमें दो दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी। अभी और वासु दोनों बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। अब जानना यह है कि दोनों की दोस्ती टूटती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी तो एक बार जरूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिस्ट पे नंबर वन पर जो मूवी है वो 2022 में रिलीज हुई कमाल की लव स्टोरी और एक्शन वाली फिल्म है। मूवी का नाम है सरकारी वरुपाटा और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 out of 10। मूवी में हमें महेश बाबू, कीर्ति सुरेश के साथ और भी कई बेहतरीन और मल्टी टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेंगे। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो मूवी में हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स को खो देता है और वो अमेरिका में एक लोन एजेंसी चलाता है और वो सिर्फ मालिक ही नहीं, वो पैसा ना देने वालों से पैसा वसूली भी करता था। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मूवी को एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।